सो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी कोई भी न्यू वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मॉर्निंग का टाइम था, आज कोहरा बहुत ज़्यादा था और मतलब इतना कोहरा था कि बाहर कुछ भी नहीं व्यू मतलब दिख नहीं रहा था। और सोकर भी मैं काफ़ी देर से उठी थी, मतलब 5:45 बज गए थे, तो सारे काम लेट ले जब लेट में सो के उठ रहा तो सारे काम लेट लेट होते हैं। तो फिलहाल मैं आ चुकी हूँ किचन में और यहाँ पर जो है गुनी शरद भी उठ चुके हैं। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिएगा, ब्लॉग अच्छा लगेगा लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आज मैं आपके साथ बहुत बढ़िया से मतलब कुछ वैसी खास रेसिपी नहीं है, बस सोवा की मैं बनाऊंगी पूड़ी, और जो कि ठंडियों में मतलब गर्मा गर्म तली भुनी चीज़ है तो काफ़ी अच्छी लगती भी है ना। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिए और देखते हैं धूप कितनी देर में निकलती है। निकलती है धूप, थोड़ी देर से निकलती है, तो चलिए ब्लॉग को इन्जॉय करिए। तो यहाँ पर मैंने जो है ना सबसे पहले सोया जो है हरा सोया जो होता है बढ़िया बारीक से काट के इसे बढ़िया से धुल लिया था। उसके बाद यहाँ पर मैंने जो है लिया है गेहूं का आटा और इसके मैं आज बनाने वाली हूँ पूरियाँ। वैसे तो मतलब इससे पराठे बनाने थे लेकिन कुनी को पूरी ज़्यादा पसंद है ना, इस वजह से। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले इसमें डाल दिया है नमक, थोड़ा सा कसूरी मेथी। कसूरी मेथी बेस्ट ऑप्शन है ठंडियों की हर रेसिपी के लिए। और यहाँ पर थोड़ी सी मैंने डाली है, क्या है ये, अजवाइन। अजवाइन डालने के बाद थोड़ा सा चटपटापन लाने के लिए इसमें मैंने चिली फ्लेक्स डाल दिया है। और बस मोयन के लिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल लगभग 2-3 चम्मच डाल दिया और बस इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिक्स कर लेने के बाद में ना इसमें जो है हमने जो वो सोया काटा है ना बढ़िया से, तो सोया डाल देंगे और इसे फिर से वापस से पहले ऐसे ही मिक्स करेंगे। उसके बाद जितनी रिक्वायरमेंट होगी ना उतना ही पानी डालेंगे और बढ़िया से इसका आटा लगा लेंगे। और वैसे ना बहुत लोग कहते हैं ना कि आटा खूब जितना गूंथा उतना बढ़िया जो है इसका टेक्सचर होता है, उतनी बढ़िया रोटी पूरी पराठा बनता है, लेकिन इतना टाइम किसके पास होता है ना। तो फटाफट से मैंने ऐसे लगा दिया है, थोड़ा सा ऊपर से जो है तेल लगा करके इसे रख दूँगी रेस्ट करने के लिए। बस बहुत बढ़िया से हमारा आटा जो है रेडी हो जाएगा, बहुत उसको गूंथने की ज़रूरत वरूरत नहीं है। और उसके बाद यहाँ पर मैंने चटनी जो है यहाँ पर बना रही है किस चीज़ की, टमाटर की, टमाटर की मीठी वाली गुड़ की चटनी जो कि पूरी पराठे से बहुत अच्छी लगती है ठंडियों में। और सब्जी के लिए यहाँ पर मैंने आलू बॉयल की है और सेम इसकी भी खूब सुंदर सी मैं सब्जी बनाऊंगी बिना प्याज लहसुन की। तो बस यहाँ पर फटाफट से हम जो है बना लेंगे पूरियाँ। तो वैसे तो मैंने बताया ना मैं बनाने वाली थी पराठे इसके जैसे, मतलब नॉर्मली वो जो तिकोने वाले पराठे बनते हैं वैसे, लेकिन ना हमारी गुनी रानी को ना कुछ ज़्यादा ही पसंद है पूरियाँ। उन्हें अगर हर टाइम पूरियाँ मिले ना तो वो पूरियाँ ही खाएँ, स्कूल में, घर पर, लंच में, डिनर में, और सुबह मॉर्निंग में सो उठ करके नाश्ते में। तो कुल मिला के वो मतलब पूरी की दीवानी है। तो बस यहाँ पर फटाफट से मैं निकाल लूँगी, सबसे पहले गाय की निकाल दूँगी पहली पूरी, उसके बाद फिर जो है ना 2-4 निकाल करके कान्हा को भोग लगाऊँगी, फिर आऊँगी यहाँ पर, फिर मैं सबको फटाफट से जो है लगा दूँगी खाने के लिए। तो मॉर्निंग का टाइम है लगभग मतलब 10:30 बज रहे हैं, हस्बैंड पूजा करके आ चुके हैं, वो भी खाएंगे। तो यहाँ पर पूरियाँ मैंने कुछ 4-5 तल के फिर मैंने मतलब फ्लेम बंद कर दिया, आ गई मैं यहाँ पर कान्हा को भोग लगाने के लिए। कान्हा को भोग लगा करके उसके बाद ही सबको दूँगी खाने के लिए। तो गाइस हस्बैंड गए खाना पीना जो है, एक बार नाश्ता हो गया है पूरी सब्जी का और दाल चावल भी बनाया है, रोटी भी बनाया है अम्मा के लिए। तो अभी आ गई हूँ मैं कपड़ा फिलाने, और कपड़े फिलाने के टाइम जो बात करूँ तो लगभग बज रहा है 12, और अभी को धूप निकली है, थोड़ी देर हुआ धूप निकले, बहुत तेज़ नहीं है लेकिन फिर भी है। तो जहाँ कुछ नहीं है, मॉर्निंग में तो इतना तेज़ कोहरा था ना कि कुछ भी नहीं दिख रहा था। तो मैं आ गई हूँ छत पर कपड़े फिलाने, तो चलिए फटाफट से कपड़े फैला लेते हैं। कहते हैं कि शब्द में बहुत ताकत होती है, अगर आप पॉजिटिव बोलेंगे सोचेंगे तो होगा भी वैसा ही। पॉजिटिव लोगों के साथ रहने से हमारे आसपास पॉजिटिव किरणें बनी रहती हैं। दरअसल हमारे पास दो तरह के बीज होते हैं, सकारात्मक विचार और नकारात्मक विचार, जो आगे चलकर हमारे नज़रिए व्यवहार रूपी पेड़ का निर्धारण करते हैं। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं, इसलिए कहा जाता है कि हमारे विचार अच्छे होने चाहिए। हमारा आचरण होता है जैसा, हमारे विचार भी वैसे ही होते हैं। विचारों पर हमारा स्वयं का नियंत्रण होता है, इसलिए यह हमें ही तय करना होता है कि हमें सकारात्मक सोचना है या नकारात्मक। यह पूरी तरह से हम पर निर्भर करता है कि हम अपने दिमाग रूपी जमीन में कौन सा बीज बोना चाहते हैं। बस थोड़ी सी समझदारी से हम अपने कांटेदार पेड़ को महकते फूलों के पेड़ में बदल सकते हैं। अगर आपको अपने जीवन में सफल होना है तो आपको आज से ही अपनी सोच सकारात्मक बनानी होगी। यहाँ पर जो है ना, अगर आप सकारात्मक सोचेंगे ना
तो नकारात्मकता अपने आप ही चली जाएगी। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, हौसलों की तरकस में कोशिशों का वो तीर जिंदा रखो, हार जाओ चाहे सब कुछ मगर फिर से जीतने की वो उम्मीद जिंदा रखो। इसी उम्मीद के साथ मैं भी अपने काम बराबर करती रहती हूँ। जल्दी हटाओ। तो गाइस मैं अभी यहाँ पर किचन साफ कर रही हूँ, दोपहर का टाइम है। एक बार ये लोग भैया से खा चुके थे, क्योंकि दाल चावल भी बनाया था, क्योंकि अम्मा का नहीं चलता है बिना दाल चावल के। तो अभी ये जो है दोनों लोग चल रहे हैं फिर से दाल चावल खाने, एक बार पूरी सब्जी खा चुके थे मॉर्निंग में। तो शरद को भी दे दो, शरद जल्दी लेना। तो ये जो है ना धीरे धीरे कर रही थी और मुझे देर हो रही थी फटाफट से अपने काम करने की। और ये कर क्या रही है पता है, ये दाल में से धनिया बीन रही है। मतलब धनियों का सीज़न है ना, इस समय हर चीज़ में धनिया बड़ी अच्छी लगती है, तो मैं दाल में भी डाल देती हूँ। तो ये बताओ दाल में से भला कोई धनिया बीन सकता है? लेकिन नहीं, ये एक एक दाल निकाल रही थी, तो वही मैंने कहा हटो मैं जल्दी से कर देती हूँ। और एक्चुअली इन लोग की विंटर वैकेशन हो चुकी है छुट्टियाँ, तो शरद की तो फिलहाल 8 जनवरी तक हुई है, लेकिन और गुनी की ना शायद 1 तारीख से स्कूल खुल जाए। बड़े बच्चों छोटे बच्चों के हिसाब से कुछ डिफरेंसेस हैं। बाकी कुइरा बद्री अगर ज़्यादा होंगी ना तो फिर छुट्टियाँ बढ़ भी जाती हैं। और शरद को भी मैंने खाना दे दिया है और ये लोग खा पी लेंगे, मेरा सारा काम खत्म हो जाएगा। तो दोपहर के बज रहे हैं 1 और अब जो है यहाँ पर खाना पीना हो गया है। मैं चल रही हूँ फटाफट से किचन साफ करके बर्तन धुलूंगी, उसके बाद ब्लॉग का करूँगी एंड। और आज का ब्लॉग मेरा आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करिएगा, चैनल पे नहीं है सब्सक्राइब करिएगा। चलिए बर्तन धुल लेते हैं। बर्तन में ना सबसे पहले मैं कोशिश ही मेरी यही रहती है कि सबसे पहले मैं तवा जो है धुल के हटा दूँ। तवा और कढ़ाई, कहते हैं कि तवा और कढ़ाई को जूठे बर्तन के साथ नहीं धुलना चाहिए, क्योंकि ये माता लक्ष्मी जी के हिसाब से मतलब जो कुछ भी होता होगा। तो फिर मैंने भी मतलब ऐसे मतलब रूटीन बना ली है कि तवा में लगे हाथ जल्दी से जैसे ही ठंडा होता है ना मैं धुल कर हटा देती हूँ, और कढ़ाई भी लगभग मैं अलग ही रखती हूँ। बाकी सारे बर्तन मैं धुल लूँगी। और भगवान के जो बर्तन है ना, पहले मैं लगभग ऐसे इसी समय धुल लेती थी, लेकिन एक मतलब एक दीदी है उनका चैनल है ब्रिज ब्लॉगर दीपिका शर्मा, तो वैसे लगभग मैं अलग करती थी, लेकिन उस दिन पता नहीं कैसे जल्दी जल्दी थी कि क्या थी मैं मतलब इसी समय धुल रही थी। उन्होंने मुझे बोला था कि अलग से मतलब धुला करो, तो उस दिन से मैंने एकदम गांठ बांध ली कि कितनी भी देर होती रहे कैसा भी मेरे पास टाइम की कमी रहे जो भी रहे मैं भगवान के बर्तन मतलब सारे बर्तन धुलने के बाद में ही बाद में धुलती हूँ। और उनका मैंने मतलब साबुन भी अलग करके रखा है, एक जो मिट्टी का कोसा होता है ना जो मतलब दिया जो बड़ा वाला जो होता है उसमें मैंने मतलब साबुन और धुलने वाला सब अलग से करके रखा हुआ है। बस ये है ना कि कभी कभी हो जाता है 19-20, बाकी उनके बर्तन मैं एकदम अलग ही अब धुलती हूँ। एकदम अब तो मैंने एकदम गांठ बांध ली है कि मैं भगवान के बर्तन आगे पीछे या तो पहले धुल के हटा देती हूँ या तो फिर मैं बाद में धुल के धुलती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं इसी तरह से मैं सारे बर्तन धुल लेती हूँ फटाफट से। तो चलिए यहाँ पर आज मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करती कि आपके साथ बेस्ट से बेस्ट जो है शेयर करूं मैं, अपना अच्छे से अच्छा मतलब शेयर करूं अपनी जो है जितनी भी लाइफ स्टाइल है मेरी, कोई भी उसमें बनावटीपन नहीं है, जो जैसा है मैं वैसा ही आपको दिखाती हूं, कुछ भी अलग से मैं नहीं करती हूं। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें और मुझे यहां तक जैसे लाए हैं ना तो आगे भी ले जाइए। बस इसी जो है सोच के साथ, इसी पॉजिटिव थॉट के साथ मैं हमेशा लगी रहती हूं कि कभी ना कभी तो मेरी भी जीत होगी ही, नहीं तो ज़्यादा नहीं तो कभी ना कभी थोड़ी बहुत तो होगी ही ना, इसीलिए मैं लगी रहती हूँ। तो प्लीज़ मेरे जो है इस जो है मतलब सोच को प्लीज़ साथ दीजिए, सपोर्ट दीजिए, जिससे मैं भी कुछ आगे कर सकूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से ब्लॉग के साथ में, तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। बाय बाय।